क्या बात क्या बात क्या बात दोस्त, मजा तो आ गया होगा कॉलेज को देख के, है ना। HNLU की बात करेंगे आज। हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, वन ऑफ माय फेवरेट NLU इन द मिड रेंज। हाँ दोस्त, आज हम लोग समझेंगे HNLU के बारे में हर वो डिटेल जो तुम्हें जानने की जरूरत है। क्या क्या इसका कंपैरिजन आसपास के NLU से है? RML अच्छा है कि HNLU, या फिर RGNUL जाना चाहिए? किन जगहों पे अपना तुम 5 साल बिताओगे, ये तुम मेरी वीडियोस को देख के पता करते जा रहे हो, अपने लिए बेस्ट डिसीजन लेते जा रहे हो, और सबसे बड़ी बात दोस्त, अपनी फ्यूचर ड्रीम लाइफ को एक्सपीरियंस करके मोटिवेट होके पढ़ते चले जा रहे हो। इससे ज्यादा क्या चाहिए यार तुम्हें? मुझे बस इतना चाहिए कि तुम बस उस सब्सक्राइब के बटन पे कूद जाओ, बैठ जाओ, उल्टी कर दो, दबाओ, जो कुछ करना हो करो, पर वो प्रेस हो जाना चाहिए विद द बेल, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएंगे। चलो, बातें बहुत हो गई दोस्त, डिटेल में जानते हैं हम लोग HNLU के बारे में। देखो यार, सबसे बढ़िया बातें बताता हूं तुम्हें, 2003 में स्टैब्लिश तो हुआ ही हुआ। बिल्डिंग का डिजाइन देखिए, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, पार्लियामेंट का रेप्लिका। जी हाँ, कुछ कुछ इंडियन पार्लियामेंट की डिजाइन में बनाया गया, काफी सुंदर कॉलेज है यार। सुंदरता के मामले में आई वुड से काफी अच्छी डिजाइनिंग करी गई है पूरे कैंपस की, और बेहतरीन बात यह है कि 65 एकड़ का कैंपस है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन NLU। नुसरल रांची का भी कैंपस था बड़ा, बट मैंने बताया वो वेल डेवलप नहीं था, बट HNLU क्योंकि ये बहुत पुराना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा भी है, इस वजह से यहाँ पे आपको अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जा रहा होता है। ओवर लुक सा लेक, लेक का भी नजारा आपको यहाँ से कॉलेज से मिल जा रहा होता है पास में ही। देखिए लोकेशन समझिए दोस्त, 15 मिनट की मात्र दूरी पे आपको एयरपोर्ट दिखाई दे रहा होगा, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, और जो है कैंपस की दूरी रेलवे स्टेशन से 35 किलोमीटर की दूरी पे। यार इससे बढ़िया मैं नहीं जानता कि तुम्हें कनेक्टिविटी कहां मिलेगी, 15 मिनट एयरपोर्ट, ठीक है, नो इशू। चलिए सर, एलिजिबिलिटी में देख लेते हैं रैंक कितनी लानी है। रैंक लिस्ट या 2021 का नोटिफिकेशन जो था उसके हिसाब से कुछ ऐसी मुझे इंफॉर्मेशन मिली, इन बातों पे कंप्लीटली राय नहीं करना, बट हाँ एक आइडिया लग सकता है आपको, ठीक है। अच्छा खासा रिजर्वेशन है कॉलेज के अंदर, इसलिए कैटेगरीज भी खूब दिखाई दे रही है, बाकी तुम्हें मैं आगे और बताता हूं। चलो देखो सर, सीटों की पूरी डिवीजन देख लेते हैं हम लोग, SC ST OBC और रिजर्व जो है, इस तरह सीटों का डिवीजन हो रहा होता है। NRI स्पॉन्सर की 8 सीटें मिल रही है, फॉरेन नेशनल की 2, जम्मू कश्मीर वालों की, और इस तरह से 5 और 2 सीटें अवेलेबल हैं। फी स्ट्रक्चर सर डिसेंट नाइस, NLU के हिसाब से कंपेयर करें तो जो कुछ NLU में 3 लाख तक जा रहा है वो नहीं हो रहा है, यहाँ देखिए डिसेंट सा 2 लाख तक में आप निपट रहे होते हैं। CNLU के अंदर मैं बात करूं तो CNLU के अंदर मैं खुद ही 2 लाख रुपए फीस लगभग दिया था फर्स्ट ईयर में, उसके बाद हमारा कोरोना की वजह से फीस कम हो जाती है ना, देखो तुम हॉस्टल में तो दैट इज डिफरेंट, बट दिस इज समथिंग विच यू हैव टू गिव इफ यू आर लिविंग इन योर कैंपस, सो कीपिंग दैट पॉइंट इन माइंड, लेट्स मूव अहेड। दोस्त हम लोग बात कर रहे हैं इस चीज की जो है HNLU का पूरा मजेदार पार्ट। या सर देखिए कितने भयंकर चीजें यहाँ कंडक्ट, जस्टिस हिदायतुल्ला मेमोरियल नेशनल मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन, ये बहुत ही बड़ा मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन होता है पूरे इंडिया भर का, एक से एक कॉलेज से बच्चे इन्वाइट किए जाते हैं, और साथ ही एक बड़े लेवल पे जो है प्राइजेस भी होते हैं। कोलोसस यार, ये बहुत ही शानदार स्पोर्ट्स और कल्चरल फेस्ट होता है, मतलब समझ लो पार्टी का एकदम फुल पैकेज, इतनी जन्नत मजा आ रहा होता है इसके अंदर बच्चों को, आप एक तरह से एक अलग ही दुनिया में होते हो इस टाइम पे, ठीक है। MUN कंडक्ट कराता भी है भाई तुम्हारा कॉलेज, और बेहतरीन डिबेटिंग कल्चर और लिटरेरी कल्चर भी हो रहा है, ठीक है, फ्रेशर्स डिबेट वगैरह, इंक्विज वगैरह सब कुछ हो रहा होता है यार, तुमको बहुत ही अच्छा एक एनवायरमेंट मिल रहा होता है यार। नजारे देखो कितना ज्यादा तुम्हारे पास हर चीज की अवेलेबल, इंटरक्टिवनेस है यहाँ पे, देखो रात के आई थिंक लाइट्स वगैरह ऑन है, उसके बाद बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, समझ रहे हो, फ्रीडम भी काफी अच्छा खासा है, मजा आ रहा होता है बच्चों को, ठीक है। चलो लेट्स सी आगे, फैसिलिटीज की बात करते हैं हम लोग, फैसिलिटीज की बात करते हैं। तो सर देखिए क्लासरूम बढ़िया है, मूट कोर्ट बहुत बढ़िया है, क्लासरूम कंप्यूटर लैब आपको मिल जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज लैब दिखाई देता है, कॉन्फ्रेंस हॉल है बहुत बढ़िया, नहीं होता है कुछ कॉलेजेस में, ठीक है। गेस्ट क्या होता है पता है, ज्यादातर कॉलेज में क्या होता है, एक बड़ा सा हॉल होता है, उस बड़े से हॉल को क्या करते हैं ये, उसी को मूट कोर्ट के लिए यूज कर लेंगे, उसी में लेक्चर करवा देंगे, उसी में सेमिनार करवा देंगे, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है। सो दैट इज देयर है ना, फुल फ्लेज्ड बैंक और ATMs है, यूटिलिटी सेंटर है, जिमनेशियम है, क्रिकेट ग्राउंड है, लॉन टेनिस है, 2 बास्केटबॉल कोर्ट्स है, 1 वॉलीबॉल कोर्ट है, भाई स्पोर्ट्स फैसिलिटी का मतलब पूरा जामा तामा हो रखा है। क्यों? बिकॉज
we are having 65 acres of campus. That makes a difference, bro. Let's keep that point in mind. उसको दिमाग से नहीं निकालना है. चलिए आगे बढ़ते हैं सर. बहुत ही मजा आया facilities के मामले में जान के. दिल खुश कर देता है. ऑडिटोरियम देख रहे हो भाई, अच्छा खासा है. नहीं होते हैं दोस्त NLUs में, नहीं होते हैं, याद रखो मेरी बात, ठीक है. चलो मेस भी बहुत ही बढ़िया. जी हाँ, क्या तुम्हें चाहिए यार? फिनिशिंग, क्लीनलीनेस, हाइजीन सब कुछ है, और तुम्हारी कुछ बिल्डिंग्स वगैरह हो रही होती हैं, ठीक है. चलो लेट्स मूव अहेड. हॉस्टल की रूम की कुछ ऐसी फोटो दिखा देते हैं. कॉलेज में तुम्हारे अंदर की ऐसी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होगा, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर. बाकी नजारे देख लो यार. नेचर के पास भी तुम्हारा कॉलेज है भरपूर. आय हाय 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 हाय, जन्नत भाई जन्नत. नहीं होते हैं यार इतनी ग्रीनरी, इतनी बढ़िया जगह नहीं होती है. मैं बिल्ला बता रहा हूँ, बिलीव मी. कंपाउंड ऐसे जहां पे तुम इतने अच्छे से टाइम स्पेंड कर सको, एंड यू दैट्स देयर, दैट इज वेरी वेरी गुड. चलिए मार्क्स डिवीजन देख लेते हैं. मार्क्स डिवीजन 100 नंबर का तुम्हारा पेपर हो जाता है कॉलेज के अंदर, 50 नंबर का एंड सेमेस्टर होता है, 25 नंबर का मिड सेमेस्टर, दोनों रिटन एग्जामिनेशन होता है, 25 नंबर का प्रोजेक्ट हो रहा होता है, ठीक है. इस चीज से हम लोग अवगत रहते हैं क्योंकि हमारी वीडियो के, तो तुम ये जान सकते हो पहला स्टेप तुम्हारे कॉलेज में क्या होने वाला है. सो यू विल बी नोइंग कि चलिए ठीक है, इतना इतना हम बेसिक सब आगे, तो फिर चीजें तुम कॉलेज जाके समझ ही जाते हो, ठीक है. सो एकेडमिक्स की हमने ये बात कर ली. अटेंडेंस के मार्क्स यहां भी नहीं है. दिल खुश हो जाता मेरा यार इस चीज को देख के. तो यार जो भी कॉलेजेस इस चीज को रखे हैं, वो प्लीज दूसरे कॉलेज से बोलो, या फिर दूसरे कॉलेज वाले मेरी वीडियो देख के अपने कॉलेज वाले से बोलो यार अटेंडेंस के नंबर इस एनएलयू के सिस्टम से हटवाने हैं अपने को, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. बात करते हैं हम लोग कमिटीज की दोस्त. रिक्रूटमेंट कोऑर्डिनेशन कमिटी, इंटर्नशिप कोऑर्डिनेशन कमिटी, स्कॉलरशिप कमिटी, डिजिटल कमिटी, हॉल ऑफ रेजिडेंस एंड मेस कमिटी, कैंपस प्रोक्टोरियल बोर्ड, एडमिशन कमिटी. भाई मेरे तुम्हें बताता हूं, अगर मैं प्लेसमेंट्स के बारे में तुम्हें डेटा दूंगा चैनल का, तो तुम समझ में आएगा तुम्हें कि इनका बहुत अच्छा खासा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है. जी हाँ, लीगल एड सेल ले लो, इंटर्नशिप कमिटी ले लो, पीपल आर लाइक पीपल इन एचएनएलयू आर फैसिलिटेटेड विद बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज, जिसकी वजह से वो अपने करियर में अच्छा जंप मार पाते हैं, ठीक है. इवन वन ऑफ टू ऑफ माय फ्रेंड्स स्टडिंग इन एचएनएलयू सेज दैट दे आल्सो फील दैट देयर फ्यूचर इज सिक्योर्ड बाय कमिंग इनटू एचएनएलयू. या इफ यू आर थोड़ा काइंड ऑफ जुझारू ना, इफ यू आर थोड़ा काइंड ऑफ हार्ड वर्किंग ना, सो देन यू आर हैविंग अ गुड फ्यूचर व्हेन यू गेट इनटू एचएनएलयू. सो विद कीपिंग दैट पॉइंट इन माइंड, वी विल सी कि हां कमिटीज का अच्छा खासा अपने यहां फंक्शनिंग हो रही होती है. लाइब्रेरी की टाइमिंग्स भी आप समझिए कितनी बढ़िया है दोस्त. मैंने तुम्हें बताया था कई कॉलेज में 10 बजे बंद हो जाती है रात में लाइब्रेरी. 10 बजे बच्चा खा पी के पहुंच पाता है, 1 घंटे पढ़ पाता होगा मुश्किल से, ठीक है. रात में 3 बजे तक लाइब्रेरी खुली है तुम्हारी, क्या दिक्कत आ रही है दोस्त? कितनी देर तक पढ़ोगे? एंजॉय करो ब्रो. ब्रो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कॉलेज के बारे में जानने में? अगर आ रहा है तो लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों का, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को. चलो प्लेसमेंट के बारे में जान लेते हैं. प्लेसमेंट डिटेल्स यार, 18 लाख का हाईएस्ट पैकेज मेरे सुनने में खुद से आया, मेरे जानकार को मिला है, ठीक है. एवरेज प्लेसमेंट 10 से 12 लाख एचएनएल के अंदर हो रही है. क्या लोगे यार, क्या लोगे? लोएस्ट प्लेसमेंट 7 से 9 लाख चली जाती है नीचे के एनएलयूज में. ये जो लोएस्ट प्लेसमेंट है, ये हाईएस्ट प्लेसमेंट बन जाती है दोस्त, ठीक है. सो प्लीज प्लीज कीप दैट पॉइंट इन माइंड. HNLU को अच्छे कॉलेजेस में रैंक कर सकते हो क्योंकि ये हर वो चीज प्रोवाइड कर रहा है जो तुम्हें जरूरत है, ठीक है. चलो कीपिंग द वीडियो क्रिस्प एंड शॉर्ट, HNLU को क्या क्यों पसंद करना चाहिए, ठीक है. प्लेसमेंट्स अच्छे हैं यार, वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरीज है तुम्हारे पास. बताया जाता है कि बहुत ही शानदार लाइब्रेरी बना रखी है HNLU वालों ने तुम्हारे लिए, ठीक है. कैंपस भी वन ऑफ द लार्जेस्ट है. कैंपस लाइफ मतलब बहुत प्यारी है यार, रात में तुम्हारे जो रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है. यू हैव वन ऑफ द बेस्ट कैंपस लाइफ दोस्त, पीसफुल एंड सेरीन एटमॉस्फेयर. आसपास नेचर के सराउंडिंग में आपको 5 साल जहां बिताने हैं वहां का एनवायरमेंट भी देखिए. तो आप ये समझने की कोशिश करिए ना, मैं रह रहा हूं पीसफुली, मैं अचीव कर रहा हूं मैग्निफिशेंटली, चाहिए क्या दोस्त एक कॉलेज से, ठीक है. स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट के लिए भी बेहतरीन फैसिलिटीज अवेलेबल है. हाँ आप कह सकते हैं क्यों नहीं, तो दैट इज फार फ्रॉम द मेन सिटी. देखिए समझिए कुछ करिए, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि बॉम्बे में अगर कोई कॉलेज है, ठीक है, दिल्ली में अगर कोई कॉलेज है, तो व्हाट हैपेंस इज दे आर वेरी नियर टू द हाई कोर्ट, दे आर वेरी नियर टू द सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड दैट इज वाई पीपल कैन डू इंटर्नशिप ड्यूरिंग देयर कॉलेज डेज ऑल्सो.
So that is why they are having more chance of getting like good internships, get good placement. That is them there. But I think this thing is covered because HNLU में placement decent है, H companies आ जाती हैं. So that is why ये चीज में इतनी दिक्कत नहीं है. हाँ. So but this problem is there. Like क्योंकि अगर college जो है ना वो campus जो है वो city से काफी दूर है. मतलब आपको proper bus से I think 45 minutes, 30-35 minutes चलना पड़ेगा सिर्फ कॉलेज से मेन सिटी पहुंचने के लिए. दैट इज समथिंग विच इज एंड रिजर्वेशन की बात थी. सो कह सकते हो यार थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी के लोग ज्यादा होंगे. बट दैट इज ऑलवेज इन ऑल द प्लेसेस ना. बिहार में बिहारी हैं, उत्तर यूपी में यूपी वाले हैं. तो आई थिंक मेरे को ये पॉइंट लगा तो मैंने लिख दिया. बट रियालिटी भी बता दी. चलिए ठीक है. कैसी लगी वीडियो दोस्त? मजा आया? आया तो क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे? ना 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 ना, ना. केवल सब्सक्राइब नहीं करना है, हर उस दोस्त तक पहुंचाना है जिसको जरूरत है इसकी. यार HNLU के बारे में हर किसी को मालूम होना चाहिए तुम्हारे ग्रुप के सर्कल में, हर वो डिटेल, क्योंकि तुम सब डिसीजन साथ में लोगे अपने फ्यूचर का. चलो विद दैट नोट लेट्स एंड द वीडियो. और हाँ यार एक बात और, डिस्क्रिप्शन में हमारा क्लैट 2022 के लिए टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हो. वहां मेरे से पर्सनली कोई क्वेश्चन तो वो पूछ सकते हो रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, ठीक है. एंड कोई और पर्सनल सवाल हो दोस्त तो इंस्टाग्राम पे आओ. क्या 2021 के हो, ग्रुप में ही ज्वाइन करना, इंस्टाग्राम पे आओ, चलो बात करते हैं, है ना. तो इस सब चीजों का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है. हर वो चीज, हर वो असिस्टेंस जो मैं एज अ लॉ स्टूडेंट तुम्हें प्रोवाइड कर सकता हूं अपनी लिमिटेशंस के अंतर्गत, वो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्त. तो इस एफर्ट के लिए वीडियो को जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो. और चलो ज्ञानबाजी खत्म करते हुए निकलते हैं. टाटा बाय बाय.